गुड मॉर्निंग गाइस, दिन की शुरुआत हो रही है हमारे किचन से ना जी। किचन में हमारे खाने में मेन्यू में क्या है आज? आलू परवल का भुजिया और साग और दाल होगी वो लौकी वाली, और पालक है और आलू परवल का भुजिया। तो बैंगलोर में पालक ये नहीं मिलती है, बैंगलोर में परवल नहीं मिलता है, इसके लिए क्या बोलोगी? बहुत कम मिलता है, रेयरली। यहाँ तो फिर भी थोड़ा मिल जाता है यार, और इनको कुछ भी खाना होता है। हाँ। तो अपना खाओ ना खाना। हाँ। और आज मेरे दोनों बेटे बेटी बहुत जल्दी उठ रहे हैं। हाँ। तो आज लड्डू तो अपना खा पी के नहा धो के रेडी हो चुका है। और अभी हम छी आद्या कुछ भी खा लेती हो। यहाँ पे आद्या के लिए खाना रेडी है और आद्या अपनी मम्मी का परवल लेके खा रही है, मम्मी का हेल्प कर रही है, अरे टेस्ट कर रही है कि कच्चा कैसा लग रहा है। छी छी गंदा, छी छी नहीं देख सकते आप, अरे वो कोना वाला है, गंदा ही है। अरे नहीं करो ना, वो खाने वाला नहीं है। मस्त रेडी हो करके हाय गाइस बोल दो। हाय, ओय 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 ओय, क्या है? इधर आ जाओ ना, इधर। ऐसे कौन बैठता है, ऐसे कौन बैठता है वज्रासन में? जनरली खड़े होके ही बैठते हैं, लेकिन आज मेरा बेटा बेटी सब यहाँ बैठा हुआ था तो हम भी बैठ गए। हाँ। और बैठ के आद्या बनने के बाद खाना। तो अब आद्या के बर्थडे में काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, फाइनली घर जाने में कुछ दिन ही बचे हैं। उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं जाकर आए। लड्डू की मम्मी बोल रही थी कि चला जाए तिरुपति, एक्चुअली इनको माने कि कार में बेड बना के कहीं चला जाए घूमने के लिए, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। के पापा का था बहुत पहले से। हाँ। लेकिन मेरा तो था कि मेरा था कि छोटा वाला गैस सिलेंडर लेके और एक दिन के लिए चले जाते, एक दिन में आ जाते। तो बट ये हम ट्राई करेंगे कि हमारी गाड़ी में बन रहे कि नहीं, हम लोग को मालूम तो है कि बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि जब वैगनर में बन सकता है तो हम लोग की गाड़ी में तो बन ही सकता है। तो अभी हम लोग का देखते हैं, मेरे घर से सब लोग तिरुपति जा चुके हैं, मतलब मेरी भाभी, भैया, भाई भैया यानी मेरे जेठ जी, जेठानी, सारे लोग तिरुपति जा चुके हैं। फिर पापा जी, लड्डू की मम्मी, लड्डू, हम लोग नहीं गए, आद्या और लड्डू, तीन लोग तिरुपति नहीं गए। और जबकि मेरे को 2 साल से जाना था, लड्डू के बर्थडे पे जाना था, उसके 3rd बर्थडे के टाइम पे, बट तब नहीं सिचुएशन हुआ। 4th बर्थडे के टाइम पे हम खुद प्रेग्नेंट थे, 5th बर्थडे ऐसे ही चला गया और छुटकी थी। इस बीच में 2 बार लड्डू के पापा गए हैं तिरुपति, लेकिन हम नहीं गए हैं इनके साथ, क्योंकि मेन बात है गाइस मालूम है, क्योंकि जेंट्स तो चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे दर्शन टिकट तो 2-3 महीना जो गया होगा उसको मालूम होगा, दर्शन टिकट 3 महीने पहले ही मिलता है, ये तो जनरल दर्शन टिकट मिलता है, वो उसके लिए 24 आवर वेट करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहते कि दोनों बच्चे को लेकर के 24 आवर तो वेट करना पड़े। सब लोग की तुम चल ला। हाँ, तो लोग बोले कि नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे पास है ना, मेन बात है कि आद्या एक बार अंदर चले जाएंगे तो दोनों बच्चे परेशान हो सकते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पास टिकट हो तभी जाया जाए। बट अभी देख रहे हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे होते हैं टूर एंड ट्रैवल वाले जो कि टिकट के साथ। हाँ, करते हैं। यहाँ पे ये है कि कुछ मेरे को बहुत ज्यादा दिन से इच्छा है कि मैं जगन्नाथ पुरी जाऊँ, अगर कोई उड़ीसा से है तो प्लीज आप कॉमेंट करके बताइएगा, और तिरुपति, मतलब ये 2 जगह जाने का मेरे को इतना ज्यादा, मतलब 2-3 साल से, वो भी 2-3 साल से जाने का मैंने इनके बर्थडे के टाइम पे बोले थे। ऐसे प्लान होता है ना, क्या करना है बर्थडे पे, क्या करना है, तो पता नहीं क्यों मेरे तो एक काम किया जाए ना, हम लोग क्या करते हैं ना, मेरा सैटरडे को हो रहा है, फ्राइडे को निकल चला जाए। क्या सैटरडे हो रहा है? जुलाई। अच्छा, आपका सैटरडे को बर्थडे हो रहा है। आप क्या खा रही हैं जी? चेकअप कराइए, चेक कराइए। अच्छा ठीक है, चौको जी खाइए आप। तो देखते हैं अब इनके बर्थडे पे क्या होगा। तो हमारा प्लान है इनके बर्थडे के टाइम पे जाने का, लेकिन उस टाइम ही शायद रथ यात्रा स्टार्ट होता है, तो हर साल ऐसे ही हो जाता है कि नहीं जा पाते। इस बार भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल यहाँ मेरा परवल बात करते करते कट गया, और अब हम काटेंगे यहाँ पे
और फिलहाल मैं लड्डू की आलू तब तक अपनी बेटी को हम खाना खिला रहे हैं ना जी। और बेटी एक हाथ से खा ही नहीं रही है ना। हाँ हाँ तो आप खिला दीजिए उसको अच्छे से। तो खाना खिला के तब बात करते हैं। वही बनाने वाले हैं परवल की सब्जी। परवल की सब्जी के लिए मैं ली हूँ लोहा, भुजिया बनाने वाली हूँ। तो लोहे की कढ़ाई में ये होता है ना कि भुजिया अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका आँच शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दोनों कढ़ाई का हैंडल एक में एक सट रहा है, जो कि मैं कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। तो इसको उठाऊँगी इस पर। और अब हम लोग, हाँ और आप लोग को बता दूँ कि हम लोग ना मेथी डाल के बनाते हैं, लेकिन आज मैं जीरा डालूंगी क्योंकि मेथी नहीं मेरे पास। तो मिर्च डाल दिया और मिर्च और जीरा का फ़ौरन बस डाल दिया। वैसे मेथी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद से परवल को धुल लिया था, तो जस्ट परवल को यहाँ पर डाल के हम लोग फौंक देंगे। और पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू डालूंगी इसमें, लेकिन आलू नहीं डालने वाली हूँ मैं इसमें। इसमें सिर्फ परवल ही डालेंगे, परवल का ही भुजिया बना दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो अभी इसको इतना ही बना करके और हम तुरंत डाल देंगे नमक, क्योंकि ये परवल गल जाए। और यहाँ एक कढ़ाई रखा है मैंने, इसमें बनाऊंगी साग। तो मेरा साग का रेसिपी बहुत सिंपल होता है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। मिक्स कर दिया, अब इसको ढक देंगे हम लोग ताकि ये गलते रहे, और कम आँच कर देंगे थोड़ा ताकि पक जाए। और ये प्याज मैंने इसके लिए ही काटा है, तो इस प्याज को कर देंगे इसमें शिफ्ट, क्योंकि पालक को धुलना है हमें। और मैं बस परवल और प्याज का ही भुजिया बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों का परवल का भी सिर्फ बनता है। तो चलिए अभी फिलहाल मैं पालक को धुल लेती हूँ। नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। तो यहाँ मैं पालक को करूँगी वॉश। तो उसको वॉश करने के लिए क्या करना है ना, पानी खूब सारा भर देना है इसमें, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल होगा वो सब नीचे रह जाएगा। और इसको ऐसे रगड़ रगड़ के मैं कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी पालक अगर किन किन लगेगा तो फिर वो खाने लायक नहीं होता है। यहाँ कुछ कुछ डंडी बड़ी बड़ी है, वैसे डरने की बात नहीं है, मैंने थोड़ा छोटा ही काटा है। लेकिन एक सेकंड, मैं शर्ट को थोड़ा ऊपर कर लूँ। दाल साग, दाल भात साग, हाँ आएंगे। पालक धुल के मैं रेडी कर दी हूँ, बस लौकी को काट रही हूँ ताकि लौकी भी डाल पाए। मुझे ऐसा लग रहा है लड्डू का बस आ गया। हाँ, तो अभी हम बस जाएंगे अपने लड्डू को छोड़ने। फटाफट से यहाँ पे डालते हैं ऑयल। यहाँ डालेंगे लहसुन, बज रहा है अलार्म। और यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च, जो कि है हरी मिर्च। तो ये डाल दिए, लौकी को धुल लेते हैं। हालांकि हम लौकी और छोटे छोटे काटते हैं, लेकिन आज बिना चॉपिंग बोर्ड के काटे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा काटते हैं। और इसी के साथ यहाँ बैठा देंगे दाल। तो एक ही साथ सब कुछ बन रहा है, तो दाल यहाँ बैठा देते हैं। ऐसा लग रहा है घर में चिड़िया आ गई है। देखिए देखिए देखिए, आप ये देखिए ना, मेरे घर में स्पैरो ने अपना जगह बना लिया। यहाँ पे हम लोग डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, और मैं बताऊँ मैं ये इसलिए बनाती हूँ ना, हम लोगों को तो मुझे उतना नहीं पसंद था, लेकिन हाँ मेरी बेटी को इतना पसंद है, मेरे बेटे को।
बहुत सारे लोग इसमें बैगन भी डालते हैं, बहुत सारे क्या मेरे घर में भी बैगन पड़ता है, मतलब मेरे ससुराल में। मतलब मेरे जो पापा जी हैं उनको बैगन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है साग में डाल के खाना। तो ये हो गया, अब साग को हम लोग देंगे गलने के लिए, छोड़ देंगे। और मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं मतलब मेरे को जब खुद माँजना होता है या कुछ कर देता है तो मैं बनाते जाती हूँ साथ साथ क्लीन करते जाती हूँ। बस इसको थोड़ा सा चला लेंगे। मेरे बेटे का अभी भी नहीं आया, दुर्भाव हो रहा था, छोड़ दो अभी आ करके, उसको छोड़ने के बाद तुम अपना करते रहना। तो अभी तो आया नहीं है तो हम अपना नमक हल्दी डाल देते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हम जाएंगे अभी लड्डू का बस देखने, तब तक मेरा दाल और सब्जी बन जाएगा, क्योंकि इसको अभी थोड़ा गलने के लिए छोड़ना है, क्योंकि लड्डू ने दी है तो किया नहीं है अभी, मतलब प्रणाम ने किया है। बस इसका सीटी लगाते हैं और बस अब आटा सानना है, रोटी बनेगा। बस आ गई, अब मैं सोच रही हूँ कुछ दिन से ये रूटीन अच्छा लग रहा है कि जब बने सब कुछ एक साथ बना लो, मतलब चावल दाल सब्जी रोटी सब, तो वो इजी हो जाता है। अब इन लोगों को गलने देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं लौकी का छिलका, ये हो गया क्लीन। अब चलेंगे हम बाहर। अनुष्का तुम भी चौकस दूध खा रही? चौकस ये इस बच्ची का दिमाग देखिए आप लोग, यहाँ पे टीवी के पास आके रिमोट प्रेस कर रही है क्योंकि इनको टीवी देखना है। क्या देखना है? टीवी देखना है। आद्या 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 देखिए ऐसे, आद्या को टीवी देखना है ऐसे। टीवी चल क्यों नहीं रहा है भाई? चल जाओ टीवी चल जाओ, दे दो पापा चला दे टीवी, दे दो। ऐसे ऑन होता है, हो गया ऑन। ईवी दे दीजिए पापा को, दीजिए तो। कौन सा गाना? नाचो नाचो, इनका नाचो नाचो फेवरेट है। नाचो 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 पे डांस करने लगती हैं ये। और दिखाते हैं आपको घर का क्या माहौल चल रहा है हमारे किचन का। तो लड्डू की मम्मी क्या क्या बन चुका है खाना दिखा दो एक बार। यहाँ बन गया पालक, जो कि पैक भी कर चुके हैं हम। ये पालक है, और यहाँ है भुजिया, फरवल का भुजिया, और यहाँ बन रहा है रोटी, रोटी है, यहाँ लौकी डाल के दाल। तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ बन जाता है, क्योंकि एक बार किचन में जाओ और सारा काम कर लो, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना होता है, बाद में बनिया को रेडी करना ये सब चीज़ करना होता है, तो बाद में नहीं हो पाता है ना जी, एक बार नहीं बने तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर रह करके एंजॉय करते हैं लाइफ को, तो हम भी वही चीज़ करते हैं जो घर में लोग करते हैं, अपने ससुराल में भी रह के यही चीज़ करते हैं लोग। बस ये है कि आपको टिफिन नहीं पैक करके देना होता है, तो वहाँ और थोड़ा आराम से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका तो मज़ा है, कितना भी लेट उठे कितना भी लेट सोए कितना भी कुछ करे इसको कोई चिंता नहीं है। तो मेरा ऐसा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम इतने मज़े से लेट उठेंगे लेट सोएंगे तो मेरे बेटे को टिफिन कौन बना के देगा? मेरे बेटे को भेजना पड़ता है स्कूल, फिर पति को भेजना पड़ता है ऑफिस, ये कब हो पाता है पॉसिबल? अनुष्का बहू थोड़ा टीवी चला दीजिए ना, ये पॉसिबल तब होता है तो ये बच्चे अगर नहीं हो, हस्बैंड वाइफ हो, जब खुद अकेले जी रहे हैं तो आराम से खाओ पियो रहो सो उठो, जब पति को भी ऑफिस नहीं जाना हो तो। और रात में सबसे एक अच्छा पता है, हम लड्डू की मम्मी को रात में भूख लग गई तो रात के 11:30 बजे करीब में, और
ये मोबाइल पे खाना देख रही थी। हम नहीं देख रहे थे, भूख तो हम दोनों को ही लगा था, तो आप देख रहे थे ऑर्डर करने के लिए, फिर आप मेरे को ललचा दिए, हम देखने लगे खाना और आप बोल रहे हैं नहीं छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। फिर हम बोलेंगे यार क्योंकि रात ये रात में खाना नहीं खाया, डाइट मेंटेन की थी, असल मात्र तीन रोटी खा के हम खाए थे, सैलेड खाए थे, वही सैलेड खाई थी रात में, दूध नहीं पी थी ना इसीलिए भूख लग गया था। दूध हैवी होता है, वैसे भी हम नॉर्मल भी खाना खाते हैं तो दूध पीते हैं, कोई बात नहीं अभी खाएंगे हम। उठते उठते पानी पी लिए, पानी पी करके अब हम बना रहे हैं, उसके बाद से हम मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे अपना, उसके बाद तो खाता हम फिर लंच वंच खाएंगे। इसलिए आजकल हम लंच में सब थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं और हरा हरा सब्जी बना रहे हैं ज़्यादा। हम आलू परवल भी बना सकते थे लेकिन मेरा मन किया कि नहीं आलू अवॉइड करना है, थोड़ा सा अवॉइड कर दो कभी हो गया। और ये राइस बन रहा है लड्डू के लिए, आद्या के लिए, अनुष्का के लिए। हाँ हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट कर दिए हैं, हमको अब मन नहीं कर रहा है चावल खाने का, लेकिन जब मन करेगा तो खा भी सकते हैं। और इन कितना इम्प्रूवमेंट देखिए आप लोग, ये काला नमक हमारे घर में आ गया है और काला नमक हम लोग खाने लगे हैं जी। वैसे कभी मतलब वाइट वाला सॉल्ट ही डाल करके ख़त्म कर रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। तो आप लोग भी हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। हम सोचे थे अभी सूजी का चीला बनाने के लिए ताकि छुटकी भी खाए, लेकिन फिर देखे सूजी थोड़ा कम है इसलिए हम बोले कि नहीं इसको भिगोएंगे और इडली बनाएंगे या कुछ वैसा बना लेंगे, या फिर चीला भी बना सकते हैं क्योंकि हमको छुटकी के ही मेन पर्पज से बनाना है। और लड्डू के बाबा बोलते हैं कि हमको भेज देते हो उसके बाद डाइट मेंटेन करती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि खाते नहीं, हम बनाना शेक भी कल पिए थे। अच्छा ये खाना, ये डाइट ऐसा है, खाना बिना खाके डाइट मेंटेन होता है, तो जिसको जिसको कमेंट जिसको जिसको डाइट फॉलो करना है। लेकिन अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं हम लोग, है ना, एक हफ्ते भी हो जाएंगे ना उसके बाद से रिजल्ट हम लोग को खुद ही पता चलने लगता है। बस इतना है कि जिस दिन से आप अपना थोड़ा सा खाना पीना सही सुधार लोगे ना, जैसे कि बड़े लोग बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, घर का खाना खाया करो तुम लोग, पता चलेगा आपका खुद का पैर। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना अपना पैर में दर्द होता है या पैर भारी लगने लगता है, अपना ही वेट उसको ज़्यादा पैर पे लेना होता है ना, तो इसलिए वो भारी लगता है। जब आप हल्का हल्का कुछ खाओगे ना जिससे पेट भरेगा लेकिन अच्छे वे में भरेगा, तो आपका पैर खुद ब खुद हल्का लगेगा। तो ये मैंने कुछ दिनों में महसूस किया है कि जब हम लोग खाते हैं अच्छे से तो अच्छा बॉडी भी हल्का लगता है। और ओवरडोज नहीं खाना है सबसे बेस्ट चीज़ ये है, भूख से थोड़ा कम ही खाना है, एक रोटी ऐसा होता था कि अगर कुछ अच्छा खा रहे हैं तो हम लोग एक ही बार ज़्यादा खा ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो खाना अगर कंट्रोल करना तो ओवर ईटिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि हमको बहुत ज़्यादा वो हो गया था, स्वीट का क्रेविंग बहुत ज़्यादा खाते थे, अब थोड़ा सा स्वीट का क्रेविंग कम हुआ है। यहीं पर रहने देते हैं अभी, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आज मोस्ट प्रॉब्ली आपको पैकिंग भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि सामान पैक करना है। टेलर को हमने अपना कपड़ा दे दिया है सिलने के लिए, लेकिन आधा ही दिया, आधा हम नौतन सिलवा लेंगे या सिवान सिलवा लेंगे, कहीं भी सिलवा लेंगे। तो गाइस यहाँ फाइनली आ गया लड्डू के पापा का कपड़ा ड्राई क्लीन करके, ये हैंगर कॉम्प्लीमेंट्री है उनका, ये सूट आ गया जो इनको पहनना है छुट्टी के बदले में, तो कलर वाला तो नहीं दिखा रहे लेकिन ये पहनने वाले लड्डू के पापा। चलो यहाँ देख सकते हैं मेरी साड़ी इतनी मेरी साड़ी इतनी पतली है कि इसमें आ गई है इनके अलमीरा में, और इसलिए पतला सा लिया है ना साड़ी, इतना पतला लिया है कि ट्रॉली में आ जाए, जाने में दिक्कत ना हो। बाकी उसके बाद आया था मेरे ससुराल से नहीं बोल सकते, मामी सास का कॉल, तो मामी जी से मैं बात कर रही थी कुछ, उनके एक्चुअली हमारी एक ननद है उनको बेटा हुआ है, तो फिर उनको मैं देख रही थी, तो बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मामी जी से, मम्मी तो है नहीं मतलब मेरी सासू माँ, लेकिन इतने अच्छे हैं ना उनकी फैमिली मेम्बर्स वाले कि मतलब हमेशा हाल चाल या जो भी चीज़ें। और मैं तो मामी जी से मिली हूँ, जब लड्डू का सतैसा हुआ था तो हम लोग एक साथ ही थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। तो इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।